अच्छा वो परिक्रमा लगाते हैं, लेटते हैं, लेटते हैं फिर खड़े हो जाते हैं, कोई तो कोई गुलाटी लगाते हैं, सर नीचे कर देते हैं, पांव ऊपर कर देते हैं, उसको बाबा कहते हैं बायजोली। क्या बायजोली करते जाते हैं, परिक्रमा लगाते जाते हैं। ये जो भक्ति मार्ग में रसम चली है बायजोली करने की, परिक्रमा करने की, ये रसम कहाँ से शुरू हुई? जो भी रीति रसम विवाद है उनका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम युग में इस समय जो कम बुद्धि वाले ब्राह्मण हैं वो बायजोली खेलते हैं, बार 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 बुद्धि नीचे जाती है गड्ढे में और बार बार ऊपर जाती है। मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं, सेवा करते हैं, धारणा करते हैं, अमृत वेला करते हैं, तो बुद्धि ऊपर, सर ऊपर, और जब क्लास करना बंद कर देते हैं, अमृत वेला छूट जाता है, दूसरी आत्माओं की सेवा करना बंद कर देते हैं, तो संघ का रंग लग जाता है, अन्न दोष लग जाता है, और अन्न दोष संघ दोष में आने से बुद्धि गड्ढे में चली जाती है। तो कभी नीचे और कभी ऊपर करते करते परिक्रमा लगाते हैं। इसके आसपास परिक्रमा लगाते हैं मंदिरों में, मंदिरों में जो भी देवी देवताएं या शिव बाबा शिव का लिंग रखा होता है उसके चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। तो अभी भी कोई कोई आत्माएं ऐसी हैं जो बार बार ज्ञान में आती हैं, बार बार निश्चय बुद्धि बनती है और बार बार अनिश्चय बुद्धि बनती है। अनिश्चय बुद्धि बनती है तो सर धरणी की तरफ चला जाता है, निश्चय बुद्धि बनती है तो बुद्धि ऊपर की ओर जाती है। ये बायजोली खेलते रहते हैं, बार बार बायजोली खेलते खेलते बुद्धि जब ज्यादा भ्रष्ट हो जाती है तो और पार्टियों में और संप्रदायों में चक्कर काटने लग पड़ते हैं। कोई विष्णु पार्टी में जाते हैं, कोई राम पार्टी में जाते हैं, कोई कृष्ण पार्टी में जाते हैं, फिर कोई भक्ति मार्ग के जो और सत्संग चलते रहते हैं, राधा स्वामी वगैरह, उनमें बुद्धि चक्कर काटती रहती। तो ये निशानी है ज्ञानियों की या भक्तों की? भक्तों की ये निशानी है। भक्त भागते रहते हैं, भक्त बुद्धि ठोकरें खाती रहती है। जिसकी बुद्धि अभी भी एक बात को छोड़ करके इधर उधर भटकती है, इधर उधर ठोकरें खाती है, तो उनको कहेंगे भक्त बुद्धि। ज्ञान सागर बाप के बच्चे नहीं बने, उनको वर्षा नहीं मिल सकता। बाप का वर्षा है राजा ही घराना, राजा बनना,
ऐसी आत्माएं जो भटकने वाली है, बुद्धि को ठिकाना नहीं मिलता, वो भक्त बुद्धि वहां द्वापर युग से यही भक्ति के कंठ गट करेंगे। बाबा वैष्णो देवी को जाते हैं तो ना कहते हैं कि माँ बाकी को नहीं करो, बाकी वो नहीं करो ऊपर या नहीं करो बहरों की दर्शन नहीं करो तो वो सेवा ना लगती। हाँ तो वहां कोई गुना बनती बहरों कौन है बाबा? जो भी देवियां होती हैं, जिन देवियों की पूजा होती है उन देवियों के साथ कोई देवता जुड़ा हुआ होता है या अकेली देवी की पूजा होती है? देवता जुड़ा होता है, देवता जुड़ा होता है, वो भैरव उनका पति है। है भैरव देवी का भगत है या पति है? भगत है, भगत है। हाँ उस भक्त की बुद्धि में ये नहीं बैठता ये देवी विधवा है या सधवा है। बाकी जो देवियां होती हैं, जिनकी पूजा होती है भारतवर्ष में, विधवाओं की पूजा होती है या सधवाओं की पूजा होती है? सधवाओं की पूजा होती है। इसका मतलब जो भी देवियां हैं उन सबका पति एक ही रहा है भगवान, और भक्त इस बात को नहीं जानते हैं, इसलिए नारा लगाते हैं जय माता दी, कभी पिता दी नहीं कहते। तो भैरव जो है वो देवी के भक्तों में बड़े से बड़ा भक्त है, और हाँ जी ये शुक्र है, ये चंद्रमा है, ये मंगल है, बुध है, ये सब ग्रह ही तो है। हाँ जो सबसे बड़ा ग्रह है वो दिखाया जाता है, वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि ग्रहों में सबसे बड़ा, सबसे आकार प्रकार में भी बड़ा और वजन में भी बड़ा कौन है? बृहस्पति। जैसे परिवार में छोटे भाई भी होते हैं, बड़े भाई भी होते हैं, चाचे भी होते हैं ना, लेकिन सबसे बड़ा कौन होता है? बाबा, ग्रैंडफादर। तो ऐसे ही ये बृहस्पति है बड़े से बड़ा ग्रह, बेहद की गृहस्थी वाला है, घर गृहस्थी, ग्रह माना घर। माता जी पूछ रही है कि जो भी इंसान शरीर छोड़ता है तो वो जिस घर में शरीर छोड़ता है 13 दिन तक कम से कम उसी घर में चिपका रहता है। यह आत्मा छोड़ करके चली जाती है। बाबा ने तो मुरली में सब बातें बता दी, मुरली में बता दिया
आत्मा शरीर छोड़ती है, एक सेकंड में जाकर के गर्भ में प्रवेश कर जाती है। इसका कारण ये है कि हर आत्मा अपना शरीर छोड़ने से 4 महीने पहले से ही अपना गर्भपिंड तैयार करने लग पड़ती है। कोई माता के गर्भ 4 महीने पहले से ही गर्भपिंड तैयार होने लगता है, निर्जीव गर्भपिंड, और जब वो पक जाता है, इंद्रियां तैयार हो जाती हैं, तो 4-5 महीना पूरा होते ही मनुष्य शरीर छोड़ता है, आत्मा शरीर को त्यागती है और 1 सेकंड में उस गर्भ में प्रवेश कर जाती है। माताओं को भी अनुभव होता है कि शरीर में, पेट में कुछ चुर्र-पुर्र हरकत होने लगी, ये हद की बात। इसे वेद में भी समझना है। वेद में 36 में ज्ञान का बीज डाला गया। ज्ञान का बीज डालने से ब्रह्मा के बुद्धि रूपी पेट में निर्जीव पिंड तैयार हुआ। जड़त्वमयी, उसमें ज्ञान नहीं होता। फिर कहते हैं 4 महीने के बाद आत्मा प्रवेश करती है। देहद का, ब्रह्मा का बुद्ध रूपी पेट है, चालीस साल पूरे होते हैं। 36 के बाद 40 साल तो 76 आता है, और 76 आते आते आत्मा गर्भपिंड में प्रवेश कर जाती है, हरकत होना शुरू हो जाती। ब्राह्मणों की दुनिया में जो भी निमित्त माताएं थी वो अनुभव करने लगी कि यज्ञ के अंदर कोई आत्मा, सशक्त आत्मा ने प्रवेश कर लिया, हरकत होने लगी है। और बाप की प्रत्यक्षता का वर्ष भी मनाया गया। ये क्या कर रही हो माता जी, किसने सिखाया? 5 तो 76 में बाप के रूप में वो पार्ट बजाने वाली, मनुष्य सृष्टि का बाप, राम वाली आत्मा प्रवेश कर जाती है। और पैर वर पक्ष वाले पूजते हैं या कन्या पक्ष वाले पूजते हैं? तो ये भी फाउंडेशन है, यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में पड़ता है।
यहाँ भी दो पक्ष हैं, एक एडवांस पार्टी सूर्यवंशी जैन सूर्य को ही मानने वाले, और एक है बीके पार्टी ब्रह्मा पार्टी, सिर्फ ब्रह्मा ज्ञान चंद्रमा को ही मानने वाले। ये दो वंश तैयार हुए पड़े हैं, सूर्यवंश और चंद्रवंश। कन्या ऊंचे पक्ष से होती है या वर पक्ष ऊंचे पक्ष से होता है? तो सूर्यवंश से पति होता है और चंद्रवंश से कन्या होती है। इसलिए बाबा ने बताया राधा है चंद्रवंशी और कृष्ण है सूर्यवंशी। तो सूर्यवंशी पक्ष के एडवांस पार्टी के जो भांति हैं वो कन्या पक्ष वालों के या कन्या के पांव नहीं छुएंगे। कन्या के पांव कौन छुएंगे? कन्या पक्ष वाले। क्यों? कन्या को तो उन्होंने जन्म दिया है, कन्या तो उनकी रचना है, पांव क्यों छूते हैं? बल रचना है, लेकिन रचना होते हुए भी पवित्र रत्न है, और वो कन्या रत्न पवित्र रत्न जब सूर्य वंश को अर्पण कर दिया जाता है तो चंद्रवंशी उसे ऊंचा मानेंगे या नीचा मानेंगे? ऊंचा मानते हैं, क्योंकि उसका कुल बदल जाता है। चंद्रवंश से बदल करके कौन से वंश की हो जाती है? वो कन्या भी सूर्यवंशी हो जाती है। इसलिए कन्या पक्ष वालों को कन्या के पांव छूने पड़ते हैं। मंडप हो जाता है तो मंडप से मुझे बड़ी बदली जाती है। मैं तुझे पूछ रही हूँ अभी पैर छूने की बात नहीं ना बाबा, ये पैर छूने की बात नहीं ना? हाँ जी। तो ये मतलब हम करते हैं तो ऐसे पूरा खत्म है जाए, पुरुष खत्म है जाए तो इस तरीके की भवन ना करते और पुरुष भावे चौ डाल लेते जा मतलब। क्योंकि भारत की परंपरा में जो भारतीय नारियां हैं वो विदेशी नारियों से भिन्न है, या भारत की नारियां और विदेश की नारियां एक जैसे संस्कार वाली है? अलग संस्कार वालों किस बात में भिन्न है? पवित्रता में भिन्न है। भारत की नारियां एक पति वाली होती है और विदेश की नारियां जिंदगी में कितने तलाक देती है, कितने डाइवोर्स देती है और कितनी नई शादियां करती है। तो भारत की जो कन्याएं माताएं हैं उनमें अभिविचारी वृत्ति के संस्कार पनपते हैं और वो संस्कार एक जन्म के होते हैं या अनेक जन्मों के होते हैं? अनेक जन्मों के होते हैं। उन अनेक जन्मों के अभिविचारी संस्कारों को कायम रखने के लिए जो पत्नी है वो पति की परिक्रमा करती है। क्या भाव रहता है कि अगला जन्म जब हमें मिले तो इसी के साथ मिले, कोई और के साथ हमें नहीं चाहिए। माने आत्मा के संस्कार जो है वो एक के साथ जुड़े। एक आत्मा 84 जन्मों में अनेकों की पत्नी बने वो अच्छा,
या एक की ही जन्म जन्मांतर पत्नी बनती रहे वो अच्छा, एक की पत्नी बने वो अच्छा। लेकिन ऐसा पुरुषार्थ करने वाली एक ही निकलती है, राधा पार्वती। जन्म जन्म लगी रगर हमारी, वरों शंभु न तू रहो कुंवारी। जिनकी शादी होते बिना बनती ना हो रही थी, तो ये नहीं कहते हैं जिनके जिनके संग में तो जैसा मन सातों जन्म नहीं मिला। ये कलयुग में कहते हैं, कलह कलह के युग में कहते हैं, रुको, जो कहते हैं वो कलयुग में कहते हैं, पापी युग में या कोई और युग में कहते हैं? अभी पापी युग में कहते हैं। सभी के में कमा तो आए वे आओ ना, मैंने खूब भी समझ आवा था है मतलब मो तक ऐसे आदमी सारे जना नहीं मिले नहीं ऐसा मतलब कह चलो फिर मिले 5000 वर्ष बीच है एक मो नहीं मिले तो अगर कथित ज्ञान की समझ अगर ना ऐसे करते की बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठा है ना, ज्ञान ना बैठा तो आओ, ज्ञान अगर बैठा हो तो ऐसे कभी ना कहे, ये कभी ना मिले तो ड्रामा बन गया। समझ आवा था, एक आवा था दो चार माता है ना, एक एक रहेगी आई जी काबू ना ना देगी, काबू ना आ ले आवे तो जिना है लव ना है लव काबू ना आवे ना देगी तो आवे ना आगे तो क्या पनी क्या नहीं चल रहा है ना देगी। अरे पंडित जी की कथा चलती है तो हमारी भी तो हाँ श्रेष्ठ आत्मा बनेगी, पावन आत्मा बनेगी तो पावन संकल्प चलेगा, और पतित आत्मा है तो पतित संकल्प आएंगे, पतित स्वप्न भी आएंगे, पतित कर्म भी होंगे, पतित वाइब्रेशन भी बनेगा, अब पतित दृष्टि भी बनेगी। हाँ माता जी तेज बोलियो। हाँ क्या बोल रही है माता जी? हाँ जो मतलब उनका पति खत्म हो जाता है तो वो विधवा हो जाती हैं, सामने पड़ जाती हैं तो कहते हैं काम खराब हो गया है उनका, मतलब इसका कारण क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ तो हद की मौत होती है इस दुनिया में, और ब्राह्मणों की दुनिया में जो मौत होती है वो अनिश्चय बुद्धि की मौत होती है, देहद की मौत होती है या हद की मौत होती है? है अनिश्चय बुद्धि कोई बन जाते हैं तो मौत हो जाती है, और अनिश्चय बुद्धि पति पत्नी दोनों ज्ञान में चल रहे हैं, दोनों ने भक्ति की हुई है, दोनों ने एक बार बाप को पहचाना हुआ है, तो पतियों को तो सबको बाबा ने बता दिया सब पति क्या है, दुर्योधन दुशासन वो तो अपने रीति भीति को छोड़ने वाले नहीं है, लेकिन कन्या माताओं को तो ऐसे नहीं बोला, क्या बोला है? तुम सब सीताएं हो, तुम सब पार्वतियां हो, तुम सब द्रौपदियां हो, ऐसे बोला है ना? तुम माताएं कन्याएं स्वर्ग का गेट खोलने वाली हो, पुरुषों को तो नहीं कहा कि स्वर्ग के गेट खोलने वाली, तो इतनी जिम्मेवारी इतनी श्रेष्ठ दृष्टि से बाबा ने कन्याओं माताओं को सौंपी है, तो कन्याओं माताओं का फर्ज बन जाता है कि पुरुष जब दुर्योधन दुशासन वृत्ति पर उतर आता है तो उसे साधे या गिराए, साध लेना चाहिए, अगर साधती नहीं है
गिराने के निमित्त बन जाती है, सुपना खां सूतना बन जाती है। सुपन खां उसे कहा जाता है जो विकार नहीं मिलने पर झगड़ा कर देती है, झगड़ा करने कराने वाली को सुपन खां। और जो ऐसे ऐसे कर्तव्य करती है, ऐसी ऐसी चलन चलती है कि उनकी चलन से पति बार बार आकर्षित होकर के देह की तरफ पतित बन जाता है, उनको पूतना कहा जाता है। पूतना माने बार बार विकार मांगने वाली, लड़ती लड़ाती नहीं है लेकिन विकार मांगती रहती है। तो अगर जैसे बाबा ने बोला है, कोई नरक का दरवाजा खोल करके बैठ जाती है और कोई स्वर्ग का दरवाजा खोलती है, तो नरक का दरवाजा बार बार अगर खोल करके बैठ जाए, ऐसी स्त्रियां ऐसी माताएं स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त बनेंगी क्या? नहीं, नहीं बनेंगी। लेकिन जो बनती है नरक का दरवाजा खोलने के निमित्त बनती है, उनका पति और ज्यादा विकारी बनता रहेगा या निर्विकारी बनेगा? विकारी, विकारी बनता रहेगा। विकारी बनते बनते एक टाइम ऐसा भी आवेगा कि वो ज्ञान से टूट जावेगा, अनिश्चय बुद्धि मरंती बन जावेगा। तो पति जब मरंती हो गया तो स्त्री विधवा हो गई ना। जो अपनी पति को न साध पाए, नीचे गिराने के निमित्त बनती रहे, तो स्वयं विधवा बन जाती है। ऐसी विधवाओं का भारत में मान मर्तबा नहीं होता है। और बाबा आत्मा ने संकल्प किया है बाबा के साथ जाना है, बीच बीच में ऐसी माया आ जाती है, ऐसी बीमारी आ जाती है, तो मेरा तेज आत्मा गई के गई, संकल्प पूरा होगा कि नहीं होगा? हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। आप जितनी हिम्मत करते रहेंगे उतनी बाप से आपको मदद मिलती रहेगी। आप हिम्मत हार जाएंगे तो मदद नहीं मिलेगी। हिम्मत नहीं आ रहे हैं बाबा? हाँ जी। और नहीं आ रहे हैं माने आप हिम्मत ही नहीं करते। हाँ एकादशी को खास क्या करते हैं? एकादशी आती है तो खास क्या काम करते हैं? है मुख्य तो व्रत करते हैं। क्या व्रत करते हैं? तो ब्राह्मणों की दुनिया में जो ज्ञान में आ जाते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, उनकी एक दिन की एकादशी है या रोज की एकादशी है? रोज की एकादशी है। रोज व्रत रखें पांच विकारों का, और कुछ न कुछ ज्ञान रत्न दूसरों को बांटते रहें, ये दान करते रहें। भक्ति मार्ग में उन्होंने फिर स्कूल में उठा लिया है। पांच विकारों का व्रत तो लेते नहीं। क्या पांच विकारों का व्रत नहीं लेंगे? क्या करेंगे? जो विकृत बनाने वाली चीजें हैं, बुद्धि में गर्मी पैदा करने वाली चीजें, विकार पैदा करने वाली चीजें,
खास करके अन्न वो छोड़ देंगे। तो भक्ति मार्ग में सब स्थूल करते हैं और ज्ञान मार्ग में सब सूक्ष्म बातें हैं। और आएंगी तो आते ही पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगी। नहीं, जैसे मन बताए कि जैसे वो आत्मा आकर के फिर पुरुषार्थ करेंगी। कैसे पुरुषार्थ करेंगी? पुरुषार्थ और शरीर छूट गया फिर पुरुषार्थ कैसे करेंगी? अपने शरीर में हाँ बर्फ में जो शरीर सुरक्षित हो गए और आत्मा ऊपर उड़ गई उसी शरीर में प्रवेश करेंगी पुरुषार्थ करेंगी। पुरुषार्थ करेंगी कोई और पुरुषार्थ नहीं करेंगी। उनका अंत में सिर्फ एक ही बात रह जाती है। अभी हमारा ज्ञान विस्तार का है फिर विस्तार सार में समा जाएगा। पहले वृक्ष का विस्तार होता है फिर बाद में क्या रह जाता है? सार बीज रह जाता है। तो अंत में भी हमारे पुरुषार्थ में क्या रह जाएगा? मैं आत्मा ज्योति बिंदु बस। न ज्ञान लेना न ज्ञान देना न मनन चिंतन मंथन करना न दूसरों से कराना न सेवा करना न धारणा करना कुछ नहीं। सिर्फ मैं आत्मा ज्योति बिंदु ये संस्कार लेकर के आत्मा अंत मते तो जब लौटेगी तो ये ही गति बचेगी। क्या बच गति? मैं आत्मा ज्योति बिंदु बाकी कुछ नहीं। ऐसी स्थिति बन जाएगी उसे देवताओं का पुरुषार्थ कहो। देवताएं क्या करते हैं? आत्म की स्थिति में रहते हैं बाकी कोई धंधा दोरी थोड़ी करते हैं। है पाँव मरने वाले व्यक्ति का जो मुर्दा व्यक्ति है सब है वो जब अंतिम क्रिया के लिए ले जाते हैं तो गांव से बाहर निकलते ही पांव गांव की तरफ और सर शमशान की तरफ कर देते। इसका मतलब ये हुआ दुनियादारी को गांव को गांव के देह देह के संबंधियों को देह के पदार्थों को लात मार दी और बुद्धि कहाँ लगा दी? शमशान घाट में जहाँ शिव बाबा रहते। शिव के मंदिर कहाँ होते हैं? शमशान घाट में होते हैं। कहते हैं कि शिव बाबा कहाँ रहते हैं? कैलाश में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? कैलाश। जहाँ की लाशें गिनी ही नहीं जा सकती। जितने भी वहाँ हैं वो सब जैसे मुर्दे बने पड़े जीते जी मुर्दे बन गए दुनियादारी से। ऐसी लाशों के देश में जहाँ की लाशें गिनी नहीं जा सकती उसका नाम का उस स्थान का नाम रख दिया कैलाश। तो वहाँ बुद्धि रहनी चाहिए मरने के बाद। वो तो हद का मरना हुआ और यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में हद का मरना है या बेहद का मरना है? यहाँ बेहद का मरना है। जो जो आत्माएं पुरुषार्थ करते करते पुरुषार्थ की अंतिम स्टेज पर पहुंचेंगी वो गांव शहर दुनियादारी से उनकी बुद्धि उपराम हो जाएगी।
जीते जी देवहंस से मर गए ना, तो बुद्धि कहाँ चली जाएगी? है बाप के घर में बाबा। और इस दुनिया को लात मार देंगे, जानते हैं ये सात भस्म होने वाले हैं, ये भगवान की बात सुनने वाले मानने वाले नहीं है, इसलिए उसको मारो लात। उधर कर देते हैं लात गांव शहर की ओर, और बुद्धि शमशान घाट भगवान के घर की तरफ कर देते हैं। वो सूत्री क्यों मानते हैं उसे? है ये पूछ रही है माता जी के सूत्री को क्यों मानते हैं? किसको? सूतन सूतन का बता रहे थे बाबा। हाँ साधन से फोन बता दे, कैसे करें सुख से मम्मा है उनसे मम्मा का आह्वान करो तो किस तरह से? अरे कौन सी मम्मा का आह्वान करो? छोटी मम्मा का या बड़ी मम्मा का? है कौन सी मम्मा का आह्वान करो ये पता ही नहीं? हाँ छोटी मम्मा का कैसे जोग लगाए? याद किसको करना है कि अम्मा को? मुरली में तो बताया है ब्रह्मा को याद नहीं करना है, याद करना है बाप को, और बाप के साथ बैठ करके वाइब्रेशन से खींचना है माँ को, आवाहन करना, आ जाओ तुम्हारे बगैर काम रुका हुआ है, ये लंगड़ों से पुरुषार्थ की दौड़ नहीं हो रही है, ये बीच बीच में अटक रहे हैं, लंगड़ा लंगड़ा की चल रहे है। अरे वो माता कुछ बोल रही है, उसकी बात तो बूढ़ी सूढ़ी माता की बात ही नहीं सुन रहे। अरे कोई बताओ तो क्या पूछ रही माता? एक एक हाँ बाबा का जो धनुष है हाँ, वो कौन सी माता उठाके रखती है, कौन सा तोड़ती है? हाँ जो सीता माता है उसको कहते हैं सीता, शीत है या गर्म है? शीतल है। इंद्रिया प्रभु की याद में रहते रहते शीतल हो गई, ऐसी सीता उस पुरुषार्थ रूपी धनुष को जो शिव का धनुष कहा जाता है, धनुष माने शरीर, जिस शरीर रूपी रथ में शिव प्रवेश करता है वो शरीर रूपी रथ को या धनुष को रावण हिला भी नहीं पाता। क्या रावण माया रावण उस शरीर रूपी धनुष को या उसकी इंद्रियों को हिलाना चाहता है, भटकाना चाहता है, लेकिन भटका नहीं सकता, हिला भी नहीं पाता। उसी धनुष को सीता अपने बाएं हाथ में उठा लेती है, दाएं हाथ में या बाएं हाथ में? बाएं हाथ में उठा लेती है और घर को आंगन को पवित्र बनाती है।
दाएं हाथ से, दाएं हाथ से पवित्र काम किया जाता है और बाएं हाथ से है अपवित्र है, शौच क्रिया की जाती है। तो ये भुजाएं हैं देवी की, क्या भुजाएं हैं जो रुद्रमाला में कन्याएं माताएं रूपी जो भुजाएं हैं वो बायां हाथ है या दायां हाथ है? अरे वो पवित्र रह सकती है या नहीं रह सकती है? रह सकती है। फिर काई के लिए विजय माला का आह्वान करना है? अगर रह सकती है तो विजय माला के आह्वान की दरकार है? नहीं, नहीं पड़ेगी। है तो नहीं पड़ सकती। माना बायां हाथ है रुद्रमाला की कन्याएं माताएं रूपी भुजाएं और सीता के दाहिने हाथ है विजय माला की कन्याएं माताएं रूपी भुजाएं, उनसे घर परिवार को पवित्र बनाया जाता है। और जो बाएं हाथ रूपी रुद्रमाला की कन्याएं माताएं रूपी भुजाएं हैं उनको, उनके द्वारा धनुष को उठाया जाता है। रावण उसको धनुष को हिलाए भी नहीं सका। ए बाबा है जी आत्मा निकल के जाती है तो मतलब चलकती जाती का उन्हें देखी का दिया तो चिलकत तुमने देखो देखो है चलो जाती है सारा चमकत चली जाती है चमकत के लिए तारे टूटे तो है तारे टूटते हैं वो तो जड़ सितारे हैं जो जड़ सितारे हैं वो तो ग्रहों जो बड़े बड़े ग्रह हैं ना नक्षत्र उनमें से जो हिस्सा टूटता है और पृथ्वी के आकर्षण में आता है और उस पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो वो चमकता हुआ जाता है वो दिखाई पड़ता है। बाकी वो कोई आत्मा नहीं होती है, आत्मा इन आँखों से दिखाई नहीं पड़ती और आत्मा में कोई स्थूल रोशनी नहीं है, आत्मा में तो ज्ञान की रोशनी है। हाँ जी लक्ष्मी की पूजा सिर्फ शाम को ही नहीं करते, शाम को भी करते हैं और साल में एक बार विशेष पूजा करते हैं दीपावली के अवसर पर। जब राम का राज्याभिषेक होना होता है, रावण के ऊपर जीत हो जाती है तो लक्ष्मी का आवाहन करके और लक्ष्मी का पूजन करते हैं। अभी हम ब्राह्मण पुरुषार्थ कर रहे हैं, रावण के ऊपर जीत पहन रहे हैं। जब रावण पर जीत हो जाएगी तो हमारी बुद्धि विजय माला का जो मुखिया मणका है उसके आवाहन में लग जाएगी। कहते हैं कि जब कोई रास्ता नहीं काम आता है
तब मन के मौन से नई रंगत निकलती है। अभी ज्ञान में बहुत भाग दौड़ भी करके देख ली, कितनी प्रदर्शनियां की, कितने मेले मला खड़े किए, कितनी कॉन्फ्रेंस की, कितना घर घर में जाकर के सुनाया, पर्चे बांटे, ये भाग दौड़ से कुछ निकला क्या? कुछ अपने अंदर परिवर्तन हुआ नहीं हुआ? बीके वाई तो रैली निकाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे, वो नहीं समझ रहे हैं। आपने इस बात को समझ लिया कि बाहर से जो भी प्रयत्न किए जा रहे हैं उनसे निस्तार नहीं होना है। हमारा मुख्य जो प्रयत्न पुरुषार्थ है वो मन को एकाग्र करने का पुरुषार्थ है। कोई व्यक्ति अपने परिवार में परिवर्तन लाने के लिए लाखों प्रयास करता है और वो प्रयास में सफल नहीं होता। मानो कोई माता ही है बांधेली, बहुत प्रयत्न करती है परिवार को परिवर्तन करने का, लेकिन कोई भी चेंज नहीं होता, तो अंत में क्या करेगी? मन के मौन से बाबा ने कहा नई रंगत निकलेगी। सब बता दी, अरे भौजू बुद्धि को एक में लगाएगी, और उस एक में जब बुद्धि लग जाएगी तो सफलता मिल जाएगी। यही बात है कि पुरुषार्थ के अंत में विजयमाला का आवाहन होता है। वो आवाहन कोई पैसा खर्च करके नहीं हो जाएगा, कोई चिट्ठी डालने से नहीं हो जाएगा, ईमेल भेजने से नहीं हो जाएगा। कैसे होगा? मन के आवाहन से होगा। जब सब तरफ से निराश हो जाएंगे तब भगवान को अंदर से याद करते हैं, उसका सहारा लेते हैं। तो ये मन के मौन से नई रंगत निकलती है। और गंगा जी के कावर भगवत कर लाते है, हम आदेश चढ़ाते हैं, क्या को काम है तो? चावल भर के डालते हैं, महादेव पर चढ़ाते हैं, इसका क्या मतलब है? भक्ति मार्ग में एक कथा बनी हुई है श्रवण कुमार की, उनके लिए गायन है कि श्रवण कुमार अपने माँ बाप को कंधे पर चढ़ाकर तीर्थाटन कराया माँ बाप को। ये संगम युग में फाउंडेशन पड़ता है। श्रवण माने क्या होता है? है? सुनना। श्रवण माने कान, श्रवण शक्ति। तो ज्ञान सुनाने में जो श्रवण कुमार के रूप में प्रसिद्ध है, उसने जितना ज्ञान सुनाया उतना और किसी ने ज्ञान नहीं सुनाया। वो श्रवण कुमार के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा जो शास्त्रों में महिमा दिखाई गई है श्रवण कुमार की, वो आत्मा कौन साबित होती है? है? राम वाली आत्मा श्रवण कुमार साबित होती है।
राम के लिए ये गाय मेरे कि उनको जन्म देने वाला पिता कौन था? दशरथ। रथ माने क्या होता है? शरीर। माने राम वाली आत्मा जब संसार में ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष होती है तो उसको ज्ञान में जन्म देने वाले कोई दस शरीर हैं। क्या जो दस रथ कहा गया कहे जाते उन रथों में कोई सूर्यवंशी रथ, कोई चंद्रवंशी रथ, कोई इस्लामवंशी रथ, कोई बौद्धिवंशी रथ, अलग अलग धर्मों के आधारभूत तो नारायण है ना, वो नारायण बनने वाली आत्माएं बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में पल रही है या नहीं पल रही है? पल रही है। वो पहले से ही ब्रह्मा की गोद में पल रही थी। तो वो दशरथ राम के बाप हैं। उनसे वो जन्म लेती है ज्ञान में। और उनमें मुख्य रथ कौन सा है उसको जन्म देने वाला? नहीं, जन्म देने वाला बाप के रूप में कौन रथ कौन सा है? कौशल्या तो माता हो गई। बाप के रूप में जन्म देने वाला कौन है? राम वाली आत्मा तो खुद ही है पुरुषार्थी। उसकी पालना देने वाले बेसिक में कोई होंगे कि नहीं होंगे? वो दस रथ तो हुए जो दस धर्मों के आधारभूत नारायण बनते हैं सतयुग में। उनमें मुख्य कौन है? हाँ, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा। तो जो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा है और उनकी मुख्य सहयोगिनी शक्ति कौन है? ओम राधे मम्मा। दोनों के मुख से जो भी ज्ञान सुनाया गया, चलो भगवान ने सुनाया, शिव बाबा ने सुनाया, उनके मुख का आधार लिया, लेकिन उस ज्ञान के मर्म को वो दोनों माता पिता ने समझा या नहीं समझा? ज्ञान के उजेले में आए बाप को पहचाना या अंधेरे के अंधेरे में ही रहे? अंधेरे में ही रहे। बल मुरलियों में बाबा ने इशारा भी दिया कि तुम अपनी संस्था का नाम ब्रह्मा कुमारी विद्यालय क्यों रख दिया? क्या रखना चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विद्यालय। फिर भी न ब्रह्मा ने समझा और न सरस्वती ने समझा। अपने नाम से पहले प्रजापिता लिखना जरूरी है, लेकिन आज तक न ब्रह्मा ने इस रहस्य को समझा और न ब्रह्मा से पालना लेने वाले उन ब्रह्मा कुमार कुमारों ने इस रहस्य को समझा। और अभी तक क्या लिख रहे हैं? ब्रह्मा कुमार। प्रजापिता अभी भी नहीं लिख रहे। तो जिन्होंने बाप को नहीं देखा, नहीं पहचाना, तो उनको ज्ञान का अंधा कहें या सोझरा कहें? वो माँ बाप ज्ञान के अंधे हैं, उनको बुद्धि रूपी टोकरी में डाल करके, कांवर होती है ना, एक टोकरी आगे होती है, एक टोकरी पीछे होती है, तो बुद्धि रूपी टोकरी में डाल करके उनको तीर्थाटन कराते हैं।
चक्कर लगाते हैं ऑल इंडिया में। तो ब्रह्मा वाली आत्मा अभी ज्ञान चंद्रमा के रूप में तीर्थाटन कर रही है या नहीं कर रही है? कर रही है। वो आगे की टोकरी है और उसको फॉलो करने वाली पीछे की टोकरी कौन सी हुई? मम्मा होमरा दी। क्या पूछा था माता ने श्रवण कुमार के बारे में? महादेव पर क्यों चलाते कावड़ पर चलाते? हाँ, तो उसमें ज्ञान जल भरा जाता है ना, है? जो कांवर में मोस्टली ज्ञान जल भरते हैं वो कहाँ से जाकर के भरते हैं? गंगा। अभी गंगा प्रत्यक्ष हुई या नहीं हुई? है अभी गंगा प्रत्यक्ष नहीं हुई। गंगा के लिए बोला है अंत में निकली है ज्ञान गंगाएं। जब ज्ञान गंगाएं निकलती हैं तो उद्धार होता है किनका? खास गंगा के किनारे चौकड़ी मार करके कौन बैठते हैं? सन्यासी। जितने भी धर्म पिताएं हैं वो सब सन्यासी हुए एक प्रजापिता को छोड़ करके। ब्रह्मा वाली आत्मा भी उसमें शामिल है, उसकी बुद्धि में भी ज्ञान कब बैठेगा? है जब गंगा की आत्मा प्रत्यक्ष हो। इसलिए बोला है जब बड़े बड़े सन्यासी तुम्हारा ज्ञान समझेंगे, सुनेंगे, आवेंगे, तब तुम बच्चों की प्रत्यक्षता हो जाएगी। तो जितने भी देहधारी धर्मगुरु हुए हैं दुनिया में वो देहधारी धर्मगुरु नास्तिक है या आस्तिक है? नास्तिक है। नास्तिक किनको कहा जाता है? जो बाप को नहीं जानते। उन बाप को न जानने वाले नास्तिक धर्म गुरुओं में मनुष्य गुरुओं में पहला नंबर कौन? ब्रह्मा की सोल। वो सोल तब संपन्न बनती है जब ज्ञान गंगा के मुख से ज्ञान सुनती है। और ब्रह्मा कुमारियां ज्ञान सुनाएंगी तो सन्यासी मानने वाले नहीं है। जब गंगा प्रत्यक्ष होती है, जिस गंगा को भगवान बाप इतना महत्व देते हैं कि पार्वती तो गोद में ही रह जाती है लेकिन गंगा को सर के ऊपर चढ़ा लेते हैं। बाबा कहते हैं कि जो बहुत प्यारे बच्चे होते हैं दुकान बहुत संभालते हैं उन बच्चों को बाप सर के ऊपर चढ़ा लेते हैं। कहते ना इसको तो कितना सर पे चढ़ाया हुआ है। अभी मुरली ने बोला कि जो सीता है सीता के बाएं हाथ से धनुष को उठाती है और बाएं हाथ मतलब रुद्रमाला की कन्या माता है वो भी। तो माने जैसे अभी बोला ना कि सीता अपने बाएं हाथ से धनुष को उठाती है। हाँ जी, बाएं हाथ रुद्रमाला की कन्या माता है। हाँ, तो उठाने से मतलब? उठाने से मतलब हुआ कि जो ज्ञान है वो धनुष धारण करता है या आत्मा धारण करती है? जो धनुष है जिस धनुष में परमात्मा की में प्रवेश करते हैं उसको जो स्नेह है पहला
वो पहला पहला इसने विजयमाला के मणकों से मिलता है या रुद्रमाला के मणकों से मिलता है? रुद्रमाला के मणकों से मिलता है। इसलिए जब स्नेह मिलता है तो आत्मा ऊंची उठती है, स्नेह नहीं मिलता है तो आत्मा ऊंची नहीं उठती है। इसलिए बाबा ने बोला है कि जितने भी अवतार हैं वो सब पानी में रहते हैं, वो जानवरियत के अवतार हैं, और रामकृष्ण जो अवतार हैं वो मानवीय अवतार हैं, वो जल का आधार नहीं लेते, ज्ञान जल के आधार पर नहीं चलते हैं, वो धरणी का आधार लेते हैं। माना कन्याओं माताओं को आधार समझ करके उनका जो उमंग उत्साह है वो ऊंचा उठता है, और दूसरे जो जानवर जत के अवतार हैं वो अपने को ज्ञान में बहुत घमंड में लाते हैं। कन्याओं माताओं को कोई महत्व नहीं देते, जो ज्ञान धारण किया है उसको ही महत्व देते हैं, ज्ञान जल को, वो ज्ञान जल में ही मस्त रहते हैं, बहुत सुनते हैं, बहुत सुनाते हैं, लेकिन कन्याओं माताओं को महत्व नहीं देते। इसलिए जो रामकृष्ण अवतार हैं वो मनुष्य के रूप में पूजे जाते हैं, मानवीय देवता के रूप में,